करें पैंट्री सर्विस मेरे को बहुत ज्यादा घटिया लगे। जो चाय वाले मेरे को दिख रहे हैं ना, दिल को पता नहीं खुशी मिल रही कि हाँ चलो चाय पीने को मिलेगा। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फिर से एक बार बहुत टाइम बाद मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक ट्रेन व्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ कोलकाता से वेलोर। नहीं, मुझे कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवाना, लेकिन मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज 4 साल जो मैंने पढ़ाई किया उसका सबूत लेने, जिसको कि लोग अक्सर डिग्री भी बोलते हैं। तो अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वेलोर में है CMC क्रिश्चियना मेडिकल कॉलेज, एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जो कि मतलब बहुत ही कम दाम पे ट्रीटमेंट या सर्जरी वगैरह करते हैं। काफ़ी लोग जाते हैं, इवन लोग बांग्लादेश से भी आते हैं, कोलकाता से तो यार भर भर के जाते हैं। तो मैं सब जानकारी आपको दे दूंगा कि आपको कौन से स्टेशन पे उतरना है। चेन्नई से अगर आप जा रहे हैं तो आपको कैसे जाना है, क्योंकि जो कोलकाता से वेलोर की ट्रेन से काटपाड़ी नियरेस्ट स्टेशन है CMC के, और वहाँ पे उतारती है रात को 3 बजे, तो काफ़ी गलत टाइम है। और स्पेशली तब जब एक लैंग्वेज का बैरियर है, अच्छा वहाँ पे ज़्यादातर जो है हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश अच्छे से समझ जाते हैं और मोर ओवर कम्युनिकेशन जो है हो जाता है। तो आज हमारी जर्नी होगी 12839 हावड़ा चेन्नई मेल में। काफ़ी पुरानी ट्रेन है, चलाई गई थी इन द ईयर 1900, मतलब समझ रहे हैं 120 साल से भी ज़्यादा पुरानी हमारी ट्रेन है। हावड़ा से चलती है रात को 11:55 पे और आपको चेन्नई पहुंचा देगी रात को 3 बजे ऑन डे 3। टोटल आज अपन 1662 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जर्नी होने वाली है आज AC 2 टायर में, तो चलते हैं, मज़ा रहेगी। वीडियो को शॉर्ट रखूँगा और ये वीडियो ख़त्म मैं काटपाड़ी जंक्शन पर करूँगा। ऑटो फेयर वगैरह आपको सब बता दूंगा कि ऑटो कहाँ से लेना है, कैसे आप जा सकते हैं CMC। तो वैसे हावड़ा स्टेशन जो है बहुत ही क्राउडेड स्टेशन है, मैं कहूँगा इंडिया का लार्जेस्ट स्टेशन है प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से। तो अगर आप ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 2-3 घंटे पहले पहुँच गए हैं तो आपके लिए बिल्कुल एक चीज़ है जो कि है IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज। चलते हैं इसके अंदर, मैं बता देता हूँ आपको कॉस्ट कितनी है यहाँ पे बैठने का और क्या क्या अंदर एमिनिटीज मिलता है। वैसे इसका लोकेशन जो है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 12 के जस्ट सामने, यहाँ पे एंट्री करके जो है आप जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं लाउंज में आके बैठ गया हूँ। यहाँ पे आपको 2 टाइप की सीटिंग मिलता है। फर्स्ट जो नॉर्मल चेयर है जिस पर मैं बैठा हूँ, दूसरा टाइप है एक कॉन्फ्रेंस रूम। अगर आप 6 लोग हैं तो पूरे 6 लोग मिलके वो बुक कर सकते हैं, वो एक प्राइवेट रूम है एनक्लोज। 400 रुपीज़ फॉर 6 पर्सन फॉर 1 आवर, और जिस पर मैं बैठा हूँ उसका कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर पर्सन पर आवर। दूसरा, यहाँ पे आपको रूम्स की भी सुविधा है, मतलब अगर आप बेड वेड लेके सोना चाहते हैं उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। 12 आवर्स के लिए मेरे को बताया 1500 रुपीज़, बट जो न्यू कॉम्प्लेक्स पे रिटायरिंग रूम वो बहुत सस्ता है। यहाँ पे जो है एकदम क्लीन वॉशरूम वगैरह है, AC वगैरह चल रहा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। एक जो यहाँ पे केक शॉप है, एक आइसक्रीम पार्लर है, एक जूस कॉर्नर है और एक जो है आपको फूड कोर्ट मिल जाता है। इसमें प्राइसेस मोर और लेस मैं कहूँगा थोड़ा सा हायर साइड पे है। यहाँ पे आपको ट्रेन्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि टाइम पे है कि नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे लग रही है, और एक जो है नॉर्मल TV है मूवी वगैरह कुछ देखने के लिए। तो 11:22 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट टाइम टू गो, 11:55 की ट्रेन है, न्यू कॉम्प्लेक्स चल के जाना है। तो चलते हैं फटफट, कुछ कुछ बोर्ड करते हैं और जर्नी को शुरू करते हैं। और ये ट्रेन आती है साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंडर, तो हावड़ा के न्यू कॉम्प्लेक्स में जो प्लेटफॉर्म्स है वहीं से चलती है। आज हमारी चल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 23 से, और भाई साहब गजब हो गया, आज जो है ICF रेक मिला है, जबकि रिसेंटली इसके कुछ रेक LHB में कन्वर्ट हो गए थे। कोच मेरी ये है A1। और यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है कि ट्रेन जो है डिपार्चर से जस्ट 15-20 मिनट पहले लग, तो अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। पर सेकंड AC का बेनिफिट बता देता हूँ आपको मैं, एक तो बर्थ थोड़े वाइड है, दूसरी बात प्राइवेसी आपको मिलती है। अगर आप फुल फैमिली है तो वो जो 4 वाला है अपर लोअर उसमें कर्टन है, और अगर आप सिंगल पर्सन है तो साइड लोअर इनमें भी जो है कर्टन है। और जो बेस्ट बात मुझे लगी कि जनरल में जो एकदम लाइन से तरीके से चढ़ा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है वो। दूसरी बात, सब क्लासेस के फेयर्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। डिपार्चर हमारा हो गया 2-4 मिनट लेट, और शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। तो लोगों को मैंने आपको अभी नहीं दिखा है, सुबह कहीं दिखाएंगे, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म अंधेरा रहता है तो कुछ दिखता नहीं है। तो मिलते हैं सुबह, अभी थोड़ा आराम करता हूँ, सुबह मिलते हैं कहीं भुवनेश्वर के आसपास।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपका स्वागत है। भुवनेश्वर को जो है सिटी ऑफ टेंपल्स भी बोला जाता है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे बहुत सारे एंशियंट टेंपल है। बात कर लीजिए कोणार्क का, बात कर लीजिए पुरी का, मतलब समझ रहे कि कल्चर यहाँ पे काफी ज्यादा है। कुछ फेमस फेस्टिवल्स है यहाँ पे, जैसे आपका रथ यात्रा हो गया, फिर कुछ कार फेस्टिवल वगैरह हो गए, इनके लिए बहुत जाना जाता है। ट्रेन हमारे यहाँ पे 30 मिनट लेट हो गई। ये है पूरी योग नगरी ऋषिकेश, मतलब योग नगरी ऋषिकेश से अभी पूरी जा रही है। पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर। हमारी ट्रेन कुछ 30 मिनट के आसपास लेट है। जो लेक आपने इसके पहले देखा वो था आपका चिल्का लेक। बहुत टूरिस्ट जो आते हैं, उड़ीसा का एक मेन स्पॉट है मैं कहूँगा, बहुत बड़ा लेक है और डॉल्फिन्स वगैरह उसमें दिखाए जाते हैं। इवन मैं भी आया था कुछ 8-9 साल पहले और हमारी जो है वो बोट भी खराब हो गई थी बीच में। कुछ खास दिखता नहीं है, बस थोड़े थोड़े डॉल्फिन का जो सर है बस वो उछल रहा है, बस उतना ही। बाकी ब्रह्मपुर में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है गिरिजा रेस्टोरेंट करके। जब आया था मैं एक ही दिन के लिए आया था, तब जो है लंच के लिए मतलब जगह नहीं मिला, टेबल नहीं मिला, वरना खा के ज़रूर जाता। बहुत फेमस फूड है। अगर आप ओडिशा से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर कर देना,
आपको तो पता ही यार गिरिजा रेस्टोरेंट कितना फेमस है, तो फिर कभी अगर मैं आऊँ या आप अगर कभी आए यहाँ पे तो ट्राई ज़रूर करना। पैंट्री कार में बना हुआ ब्रेड ऑमलेट ब्रेड कटलेट आपको सुबह ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। सुबह मैंने लिया था 50 रुपीज़ का, ठीक ठाक था, मगर जो ब्रेकफास्ट मैंने अभी खाया ना यहाँ पे 2 पीस इडली 2 पीस वड़ा 30 रुपये का प्लेट, ज़बरदस्त था। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा ना एडिटिंग वगैरह करता हूँ क्योंकि कल मेरे को वीडियो अपलोड करना है और आपसे मिलते हैं सीधा वाइजैक पे। पहुंच गए हैं विशाखापट्टनम, ट्रेन यहाँ पे हमारी कुछ 10 मिनट के आसपास लेट है तो थोड़ा सा कवर अप किया है। विशाखापट्टनम जो है घूमने की एक बहुत अच्छी जगह है, हमें पर्सनली 2 या 3 बार आया। एक जो है बहुत अच्छा पार्क है, एक बीच है, फिर एक जो है सबमरीन म्यूजियम है, ये सब है। दूसरी बात है विशाखापट्टनम स्टेशन की बात करें, कोई भी ट्रेन यहाँ से क्रॉस करती है उसका लोको रिवर्सल होता है, एक तरफ डेड एंड है, एक तरफ आपका चेन्नई वाला लाइन हो गया और एक तरफ आपका भुवनेश्वर वाला। तो हमारा भी यहाँ पे लोको रिवर्सल होगा, मतलब अभी ट्रेन सामने की ओर जा रही थी उस तरफ, अभी पीछे की ओर जाएगी। और यार दोपहर की लंच की बात करें, पैंट्री सर्विस मेरे को बहुत ज़्यादा घटिया लगे, मैं बताता हूँ क्यों, कि कुछ मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे पैंट्री कार को। सुबह से जो है चाय आया वो भी वो वाला जो प्रीमिक्स वाला सैशे आता है, मतलब गर्म पानी वो बना रहे हैं और चाय बना रहे हैं, तो वो चाय अच्छी नहीं होती, इतनी बढ़िया नहीं लगती। फिर जो है आपका कोई समोसा नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, सुबह ब्रेड ऑमलेट ब्रेड कटलेट जो कि गर्म नहीं था। फिर लंच में भी इनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बस वेज थाली एक थाली, वो भी मेरे को देख के टेम्पटिंग नहीं लगा तो मैंने ई कैटरिंग से मंगवाया था। तो यहाँ पे मैंने खाना मंगवाया बहुत ही अच्छी जगह से, बैरोज़ बिरयानी, अगर आप जानते हैं काफ़ी रॉयल बिरयानी है, महंगी है वो अलग बात है, 400 रुपये की बिरयानी है, तो वो मैं आपको दिखा दूँ वाइजैक से निकलने के बाद। लोकोमोटिव जो है गाइस अपनी लग चुके हैं, जितनी देर में मैं खाना वाना लिया है उससे डिलीवरी वाले बंदे से उतनी देर में आके लग गई। मतलब सोचिए हर ट्रेन का लोको रिवर्सल करते, इतने एक्सपीरियंस है कि ट्रेन आते ही जो है लोको आ गई और लगा दी इन्होंने। लोकोमोटिव जो है वो है WAP-7 लोकोमोटिव रायपुरम शेड का, रोड नंबर 37210। अभी तक हमको WAP-4 लोकोमोटिव लेके आई। तो चलिए फिर निकलते हैं फ्रॉम वाइजैक, और अगर आपको पैंट्री से खाना नहीं लेना इस स्टेशन में आपको खाने के भरपूर ऑप्शन मिल जाएंगे, सब सस्ते में, एग बिरयानी, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, थाली वगैरह सब, समोसे वगैरह सब, कोई चिंता की बात नहीं है। तो भाई सब बारी है कुछ पेट पूजा करने की, देख लीजिए कुछ इस तरह से है, पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छा है, तो खोल के देख लेते हैं एक बार कि 400 रुपये है तो महंगा कुछ अच्छा होना चाहिए। कुछ इस तरह से दिखता है बैरोज दी रॉयल बिरयानी, इसको खोलते हैं तो इसमें ऐसे कुछ है, इसमें मेन चिकन बिरयानी है, मैंने लिया है मुर्ग अफगानी टिक्का बिरयानी, यहाँ पर आपके लिए कटलरी दिया गया है, एक गुलाब जामुन रायता, इसमें जो है माउथ फ्रेशनर भी रहता है। देखिए भाई साहब क्वांटिटी यार इसकी बहुत अच्छी रहती है, मतलब मेरे जैसों का तो यार पेट पूरा भर जाता है।
पहुंच गए राजामुंडी शाम के 6 बज रहे हैं। ट्रेन अपनी कुछ मैं कह सकता हूँ 40 मिनट के आसपास लेट है और बस यहाँ पे जो चाय वाले मेरे को दिख रहे हैं ना, दिल को पता नहीं खुशी मिल रही है कि हाँ चलो चाय पीने को मिलेगा, क्योंकि पैंट्री का यहाँ पे किसी काम का नहीं है। जो चाय बेच रहा है वो 20 की बेच रहा है, वो जो मसाला वाला मैंने बोला, और चाय वो मेरे को अच्छी भी नहीं लगी, प्लस वो आधी कप दे के जा रहा है 20 में, तो ऑब्वियसली वो कुछ फ़ायदे वाली बात भी नहीं है। बाकी पैंट्री से नाश्ता वगैरह कुछ नहीं आया, दोपहर को लंच लेके गया, मतलब बेकार है यार, बिल्कुल पैंट्री सर्विस उस ट्रेन में बेकार है। मज़ा आ गया सच बता रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ब्रिज गोदावरी रिवर के ऊपर बना, काफ़ी लंबा और काफ़ी सेफ ब्रिज है, प्लस सनसेट का टाइम है, तो शायद आपको देखने को मिलेगा कुछ बहुत ही अच्छा नज़ारा। और ये जो एक रेल कम रोड ब्रिज है, तो देख सकते हैं ये जो हमारे ऊपर था ये रोड था और ये यहाँ पे सीधा चला गया इस तरफ। रात के 9 बज रहे हैं, पहुंच गए हैं विजयवाड़ा। अब तक हम कवर कर चुके हैं 1231 किलोमीटर। यहाँ से जो है मैं डिनर कुछ ले लूँगा, प्रोबेबली केले मिल रहे हैं, ब्रेड ऑमलेट मिल रहे हैं, बिरयानी मिल रहा है, कुछ ना कुछ खा लेंगे। इसके बाद आपसे सीधा मिलूँगा चेन्नई पे। ट्रेन यहाँ पे हमारी कुछ 1 घंटे 10 मिनट के आसपास लेट है, और जो अच्छी बात लगी मेरे को कि स्टेशन जो है बहुत साफ़ सुथरी है। तो मैंने यहाँ पे एक बिरयानी लिया है, चिकन बिरयानी, प्राइस इसकी 100 रुपीज़, साथ में एक दही और एक पिकल भी है। लंच पे बिरयानी, डिनर में बिरयानी, मैं हूँ एक ट्रू बिरयानी लवर। खाना वगैरह मैंने थोड़ा खाया पर इतना अच्छा मेरे को लगा नहीं, मतलब नॉर्मल सी जैसे चावल और चिकन एक साथ देते वैसा है, दोपहर से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है पेट भरने के लिए काफ़ी है। तो ये खा के मैं लेने वाला हूँ एक बहुत अच्छा रेस्ट, क्योंकि सफ़र मेरा काफ़ी लंबा है, कल वेलोर जाना है, वापस आना है, फिर डायरेक्ट दिल्ली जाना है, तो समझ सकते हैं थोड़ा सा रेस्ट जो है चाहिए होता है। मिलते हैं सीधा चेन्नई में।
वड़क्कम चेन्नई। सुबह के जो है 3:20 हो रहे हैं, अपन पहुंच गए हैं डॉक्टर MGR रामाचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई। राइट टाइम था सुबह के 3 पहुंचने का, और सुबह बताओ या रात बताओ भाई पता नहीं, थोड़ा लेट पहुंचते तो ऐसा नींद वींद पूरी होती। जब मेरी आँख खुली तब टाइम हो रहा था 3:10। अपन थे चेन्नई से 6 दूर, तो फटाफट आए और बस अब यहाँ पे मैं बैठने वाला हूँ किसी वेटिंग रूम में। यहाँ पे वेटिंग रूम है, प्रोबेबली 1 घंटे का ₹20 लगता है, ऐसा अच्छा वेटिंग रूम है, वहाँ पे वेट करना है। चेन्नई से वेलोर आपको बहुत ट्रेन्स मिल जाएंगी, मैंने डबल डेकर लिया सुबह 7:25 पे। जर्नी की बात करें, जर्नी वॉज अमेजिंग, ज़्यादा फील नहीं हुआ, सेकेंड ए सी था, कम्फर्टेबल जर्नी थी। OBHS जो है एक्टिव ही था ऑलमोस्ट, बस पेंट्री सर्विस की जो है थोड़ी मेरे को दिक्कत लगी क्योंकि कुछ अच्छा खासा मिला नहीं। फिलहाल चलते हैं, देखिए सब पैसेंजर जा रहे हैं और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। नो, एक्सपर्ट हो भाई, इधर भैया नहीं निकला मुँह से, ये तो अभी लेने के देने पड़ जाते हैं। ऑलराइट गाइस, सुबह के 7:15, मैं निकल गया वेटिंग रूम से, कुछ ₹70 के आसपास मैंने दिए। और देखिए ड्रेस बिल्कुल मतलब कैटरर टाइप का लग रहा हूँ, और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है आदित्य सबनीस, कॉलेज जा रहे हैं ऑब्वियसली। हाय कर, हाय, कॉलेज जा रहे हैं ऑब्वियसली कॉन्वोकेशन के लिए, तो साथ मिल गया था तो कहा कि चलो साथ चलते। ट्रेन हमारी लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, डबल डेकर ट्रेन है, थोड़ी इंटरेस्टिंग, इसकी जर्नी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, फटाफट आपको पहुँचाते हैं काठपाड़ी जंक्शन। तो डबल डेकर में आपको एंटर करने के बाद एक सबसे पहले मिडिल वाला सेक्शन मिलता है ऐसे, यहाँ पे फिर अपर डेक में जाने के स्टेयर्स और लोअर डेक में जाने के स्टेयर्स, सिमिलर सा 2x3 सीटिंग यहाँ पे मिल जाता है, अपर डेक में भी सिमिलर है। लोअर डेक से आप देखिए पूरा प्लेटफॉर्म वाला व्यू मिलेगा, मतलब लोगों के जूते दिखेंगे आपको, पर हमारा आज अपर डेक है। तो बस पहुंच गए काठपाड़ी जंक्शन, सुबह के 9:15। अब क्या ऑटो वाले हमको लूट लेंगे? हाँ लूटेंगे, शिकार कर लेंगे। तो चलते हैं स्टेशन के बाहर और ऑटो का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ का ऑटो स्टैंड कुछ इस तरह से, आदित्य कहाँ चला गया? ना, तू तेरे को ही ढूंढ रहा था मैं कितनी देर से। तो कुछ इस तरह सा स्टैंड है, अगर आपको CMC वगैरह जाना तो शेयर ऑटो वहाँ पे मिल जाएगा, वो ब्रिज से सीधा चले जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। और अब हम जा रहे हैं अपना कॉलेज, इस ब्लॉग को वहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ। अरे नहीं अन्ना, 120 फिक्स प्राइस है। Oh,